महिलाओं के लिए प्राथमिकता यही है जो मुझे जो महिला बेरोजगार है रोजगार दिलाने की कोशिश कर रही है और रोजगार में जैसे सिलाई सेंटर हो गया सिलाई सेंटर हो गया बुटीक हो गया वो सब रोजगार दिलाने मैडम मतदाता वोट क्यों दे आपको क्या मास्टर प्लान है आपके पास विकास का आप अगर हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे इस साल तक लोगों की समस्याओं से लड़ने के बाद उसकी समस्या के समाधान के लिए खुद मैदान में उतर आया है। कई नेता आए कई मंत्री आए कई विधायक आए 10-10 साल तक सत्ता पे राज किया 15 साल तक सत्ता पे राज किया लेकिन समस्या जस की तस है। इसलिए केबीसी महापरिवार ने लोगों की दुख को देखते हुए प्लान किया कि समस्या के को दूर करने के लिए खुद मैदान में उतरा जाए और इसके लिए हम लोगों ने 2 वर्षों तक पूरा शहर का सर्वे किया। हालांकि 25 साल का अनुभव भी हमारे काम आया 2 वर्षों सर्वे किया और हमने 27 समस्याओं को पॉइंट आउट किया जो मुख्य समस्याएं थी उसको लेकर हमने गारंटी कार्ड जारी किया कि 27 समस्याओं को हम जल्द से जल्द दूर कर देंगे और इस सारे 27 समस्याओं को हमने गारंटी के कार्ड के रूप में जारी किया है चुनावी घोषणा पत्र के रूप में नहीं और उसमें स्पष्ट लिखित दिया है कि 3 साल में अगर इसका रिजल्ट सामने नहीं आया तो वी विल रिजाइन हम लोग हमारा प्रत्याशी रिजाइन कर देगा। सिर्फ मेरे प्रत्याशी रितु अग्रवाल की गारंटी नहीं है इसके साथ केबीसी महापरिवार की भी गारंटी छोड़ी है। शहर में एक जलजमाव हो या जाम की समस्या हो ये एक महत्वपूर्ण समस्या है जिलावासियों की इसको कैसे दूर करेंगे सर? जलजमाव के लिए मैंने कहा कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम बहुत जरूरी है लेकिन जब तक अंडरग्राउंड से ड्रेनेज सिस्टम बनता नहीं है इसके लिए अस्थायी तौर पे सड़कों पर जल जमाव के लिए आदमी को नियुक्त किया जाए कि जल जमाव मोटर पंपिंग से निकाल दिए जाए और बाकी अंडरग्राउंड सिस्टम को हम लोग जो फंड आया हुआ है 220 करोड़ का तो किसी कारण वह झटका हुआ है किसी या कमीशन के चक्कर में उसको हम लोग रद्द करके इमीडिएट उसको लागू करेंगे काम करने के लिए ताकि जल्द से जल्द लोगों के शहर में अंडरग्राउंड की ड्रेनेज सिस्टम लागू हो जाए। सर सबसे अहम सवाल यह है कि आपने गारंटी कार्ड में पॉइंट नंबर 3 में लिखा है मशीनों द्वारा नालों की सफाई और पॉइंट नंबर 27 में लिखा है कि आप सफाई कर्मचारी को परमानेंट करेंगे। अब आपके इस गारंटी कार्ड पर किस तरीके से भरोसा किया जी, जाए जी, जी। एक तरफ आप मशीन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उसी लेबर को परमानेंट करेंगे ये सस्तक का सवाल है। इस दोनों बातें अलग अलग है आपको ठीक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत लोगों को इस बात का कंफ्यूजन हो। इलेक्ट्रिक आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से नालों की सफाई का तात्पर्य है कि अंडरग्राउंड नालों में जो पानी जमा रहेगा जो अत्याधुनिक मशीनें आती हैं जो पाइपलाइन से डायरेक्ट उस कीचड़ को अपने अंदर समेट लेती है और जाके नदी में बहा देती है। और जहाँ तक सफाई कर्मचारी की व्यवस्थाई का सवाल है कि आज नगर निगम में 22 वार्ड को प्राइवेट सफाई कंपनी को दे दिया गया है लाखों का कॉन्ट्रैक्ट महीना का दिया गया है और सफाई कर्मचारी को उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वहाँ वो जो प्राइवेट कंपनी वो सफाई कर्मचारी का वेतन का हक मारकर कम पैसे देकर उसी से काम कराती है और वे मजबूर ये काम करते रहते हैं तो उस एंगल से हम लोग तो सफाई कर्मचारी को स्थायी करेंगे और जो उनके बस का काम है उनसे कराएंगे और जो मशीनों का काम है जो नालों के अंडरग्राउंड सफाई का काम है सफाई कर्मचारी के नालों में जाना असंभव है अगर वो जाते हैं तो उनकी जान को खतरा है तो वो मशीनों से कराएंगे। हमारे किसी भी पॉइंट पे डबल मीनिंग नहीं हो सकता हम आपको ये विश्वास दिला दें। कटिहार जिला वासियों से क्या अपील करेंगे? जिले वासियों से यही अपील है कि आप जात पात धर्म से ऊपर उठ जाइए। कटिहार आपका घर है और उस घर को अपना समझ के वोट कीजिए चाहे जिसको भी कीजिए जो आपके शहर को अच्छा बना सके साफ सुथरा बना सके सुंदर हरा भरा बना सके उसको आप वोट दीजिए क्योंकि आपका घर है खुद का। बाकी पार्टी लाइन पे सरकारें बनती है बिगड़ती है गिरती है चलती रहेगी लेकिन ये आपका घर का मुखिया का सवाल है उसके मुखिया के हाथ में अपना घर और अपना शहर का भविष्य आप दे रहे हैं उसको सोच समझ के देना है। जिन बड़े बड़े लोगों ने 10-15 साल तक राज्य किया इसमें शासन के बड़े बड़े पद पे उसने क्यों नहीं किया उनसे आप सवाल पूछिए कि क्यों नहीं किया। पैसे देने आए तो आप पैसे लीजिए उसका क्योंकि वो आपका हक मार रहा हुआ पैसा है लेकिन वोट सोच समझ के दीजिए कि जो आपके दुख दर्द को समझ सकता हो यही मेरे कटिहारवासियों से। परिवारवाद और पैसे की राजनीति कटिहार में चरम सीमा पे है आप अपने आप को इस जगह पे कहाँ पे देखते हैं? परिवारवाद और पैसे की राजनीति
ये बात सही है कि जिन 3 प्रत्याशियों का नाम का इशारा किया वहाँ से निकल के आती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि परिवारवाद की राजनीति को कटिहार से खत्म कर दिया जाएगा, जो नगर निगम का क्षेत्र हो या नहीं।